क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे हमारे आसपास बेशुमार चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पर कभी कभी उन्हें महसूस कर सकते हैं? एक सेकेंड, हम भूतों की नहीं माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कहने वाली थी कि माइक्रोब्स हमारे दरमियान कई सालों से थे और हमें कभी दिखाई ही नहीं दिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये छुपन छुपाई का खेल उस दिन खत्म हुआ जब माइक्रोस्कोप बना। मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में। माइक्रोस्कोप दो तरह की होती हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें विजिबल लाइट यूज होती है, जैसे टंगस्टन बल्ब, हैलोजन बल्ब, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। वाइल ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है। लाइट माइक्रोस्कोप चार तरह की होती हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। वाइल ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की होती हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज के लेक्चर में हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की पहली दो टाइप्स यानी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। बाकी टाइप्स हम आने वाली दो वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का लिंक ऊपर तुम्हें टॉप राइट कॉर्नर में भी शो हो रहा होगा। बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की जो टाइप आती है वो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कुछ ऐसी दिखती है। और हाँ, ये तीनों नाम इसी के हैं, तुम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। देसी फैमिलीज में भी जब कोई बच्चा होता है तो माँ बाप बच्चे का कोई नाम रखते हैं, दादी कोई और नाम रखती है और नानी कोई और वो बच्चा भी कंफ्यूज ही रहता है कि भाई मैं हूँ कौन। मगर हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बुलाएंगे। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होती है एज अ लाइट सोर्स, यानी तुम कोई टंगस्टन या हैलोजन बल्ब वगैरह यूज कर सकते हो, या तुम यूवी लाइट यूज कर सकते हो, या तुम डायरेक्ट मेरी रेस को एज अ लाइट सोर्स यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ, सनलाइट को भी यूज किया जा सकता है हैलोजन, टंगस्टन और यूवी लाइट की तरह। जब मैं तुम्हें मुफ्त में लाइट दे रहा हूँ तो इतने महंगे बल्ब यूज करने की क्या जरूरत है? चीखो मत, ये बल्ब महंगे नहीं होते। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। इसके अलावा इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस होता है जिसकी मैग्निफिकेशन तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सबसे सिंपल और बेसिक माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप में तुम्हें तुम्हारा स्पेसिमन या बैक्टीरिया या टिश्यू या जो भी तुम एग्जामिन करने वाले हो वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। आई नो काफी बोरिंग सा इमेज है। मैं बोरिंग नहीं हूँ। हाँ, तुम हो बोरिंग, क्योंकि हमने आम तौर पर जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखे हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बट ये वाला इमेज, इसकी एक सिंपल सी वजह ये भी है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, जो कि ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम भी है। और ब्राइट फील्ड में स्पेसिमन की कुछ खास क्लैरिटी नहीं होती है, तो जब भी बैकग्राउंड ब्राइट होता है तो तुम्हें तुम्हारा स्पेसिमन डार्क दिखता है। ऐसे माइक्रोस्कोप को हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और अगर बैकग्राउंड डार्क होता है तो ऐसे केस में स्पेसिमन ब्राइट दिखता है, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। और ऐसे माइक्रोस्कोप को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो ब्राइट बैकग्राउंड की वजह से इस माइक्रोस्कोप में बहुत बोरिंग सा इमेज दिखता है। मैं बोरिंग नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की एक आउटलाइन देता है, यानी फिजिकल अपीयरेंस या उसकी मॉर्फोलॉजी दिखाता है।
इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से यू कैन सी साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ योर स्पेसिमन। इन सिंपल वर्ड्स, इस माइक्रोस्कोप में तुम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की डिटेल्स देख सकते हो रादर देन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये वाला माइक्रोस्कोप तब सूटेबल होता है जब हम कोई नेचुरली पिगमेंटेड स्पेसिमन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मीन्स के ऐसा स्पेसिमन जो कुदरती तौर पर कोई ना कोई रंग रखता हो, जैसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो पत्तों को नेचुरली ग्रीन कलर देता है, या रेड ब्लड सेल्स जिसमें हीमोग्लोबिन नेचुरली सेल को रेड कलर देता है, या फ्लावर्स जो नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं यानी कुदरती तौर पर खूबसूरत दिखते हैं, इसकी तरह नहीं। ए, मैं सब सुन रही हूँ। या फिर तुम्हें अपने स्पेसिमन की स्टेनिंग करनी पड़ती है अगर नेचुरली उसका कोई कलर ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम ऐसा बोरिंग सा इमेज तो नहीं देखना चाहोगे। देखो अब ज्यादा हो रहा है। तो इस बोरिंग से इमेज को अच्छा बनाया जा सकता है स्टेनिंग करके, जैसा कि तुम देख सकते हो। आई नो नाउ इट इज मच बेटर। बेटर? मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। हाँ, पर स्टेनिंग की वजह से। बट स्टेनिंग का एक डिसएडवांटेज है, स्टेनिंग की वजह से सेल की फंक्शनैलिटी इफेक्ट होती है, बैक्टीरिया मर जाता है। टेक्निकली स्टेन बैक्टीरिया को किल नहीं करता या स्टेन सेल की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है उसमें एक स्टेप होता है सैंपल फिक्सेशन का, जिसमें बैक्टीरिया को स्लाइड पे फिक्स करने के लिए हीट या किसी केमिकल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया स्टेन की वजह से नहीं, बल्कि स्टेनिंग के प्रोसीजर के दौरान सैंपल फिक्सेशन की वजह से मरता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम इस माइक्रोस्कोप में लाइव बैक्टीरिया नहीं देख पाओगे। अगर तुम्हें लाइव बैक्टीरिया देखना है जो माइक्रोस्कोप में तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए, तो उसके लिए तुम्हें दूसरे लाइट माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है? एल्यूमिनेटर से लाइट कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर लाइट को कंडेंस करता है, यानी वो लाइट जो सब तरफ फैली होती है, कंडेंसर उस लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है या जमा करता है, जिस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज आके मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कंडेंसर सारी की सारी लाइट को स्पेसिमन पे फोकस या कंसंट्रेट करता है, ताकि हमारे इमेज की क्लैरिटी, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इन्हेंस हो सके। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन किसी मीडियम से गुजरने के बाद वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, रिफ्रेक्ट होती है, बेंड होती है, अब्सॉर्ब होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडियम डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अगर पानी में से लाइट पास होती है तो डिफरेंट बिहेव करती है, अगर हवा में से पास होती है तो डिफरेंट बिहेव करती है। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। कंडेंसर में से पास होते ही सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे मीट करती है और हमारे स्पेसिमन में से गुजरती है। ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमन में से निकलने वाली सारी की सारी लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और एक क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जो बहुत टाइनी सा होता है, पर वो एक रियल इमेज होता है। रियल इमेज होने की वजह से वो इन्वर्टेड दिखता है, यानी अपसाइड डाउन दिखता है, उल्टा दिखता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी अपसाइड डाउन दिखता है। अब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑक्यूलर लेंस तक जाता है, जो इस इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करता है अप टू 10x, क्योंकि ऑक्यूलर लेंस की मैग्नीफिकेशन 10x होती है। इट मीन्स कि आपका इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल अब 10 गुना मजीद बड़ा होके दिखेगा, एंड सेकेंडली ये आईपीस उस रियल और इन्वर्टेड इमेज को एक वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट करता है, जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, और हमें फाइनल इमेज जो मिलता है वो एक वर्चुअल यानी फेक इमेज होता है, और नॉन इन्वर्टेड इमेज होता है, और मैग्नीफाइड इमेज होता है, जो उतना बड़ा एक्चुअली में नहीं होता जितना हमें दिख रहा होता है। ऑल क्रेडिट गोज टू माइक्रोस्कोप एंड इट्स पावरफुल मैग्नीफिकेशन।
लाइट कहां से कहां निकल गई और इमेज इतने से इतना हो गया और तुम लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की। वीडियो लाइक कर दिया करो, ट्रस्ट मी बिल्कुल फ्री है। फ्री तो मैं भी हूँ, पर फिर भी लोग बेवकूफों की तरह आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि इस माइक्रोस्कोप में डार्क बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है और डार्क फील्ड होने की वजह से तुम्हें तुम्हारा स्पेसिमन ब्राइट दिखता है, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे काले आसमान में तारे चमकते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप में तुम लाइव बैक्टीरिया देख सकते हो, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। डार्क बैकग्राउंड पे स्पेसिमन ब्राइट होने की वजह से इमेज बिल्कुल क्लियर दिखता है और स्टेनिंग से कंट्रास्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से तुम्हारे स्पेसिमन की सांसें बच जाती हैं। इसलिए इजीली तुम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में लाइव बैक्टीरिया के नज़ारे देख सकते हो। यानी अब तुम डायरेक्ट अपना स्पेसिमन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के केस में तुम्हें स्टेनिंग वाला एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है और केमिकल और हीट की वजह से स्पेसिमन को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी नेचुरली उनका कोई कलर नहीं होता, और कुछ बैक्टीरिया नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं। तो कलर्ड स्पेसिमन के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और कलरलेस या ट्रांसपेरेंट स्पेसिमन के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इट इज़ मोर यूजफुल इन एग्जामिनिंग एक्सटर्नल डिटेल्स रादर देन इंटरनल डिटेल्स, बिल्कुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह। ये दोनों माइक्रोस्कोप्स ही सिर्फ एक्सटर्नल डिटेल्स देखने के लिए यूज किए जाते हैं रादर देन इंटरनल डिटेल्स, जैसा कि आउटलाइंस, एजेस, ग्रेन बाउंड्रीज एंड सरफेस डिफेक्ट्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी, किसी भी सेल का साइज, शेप एंड अरेंजमेंट देख सकते हो। तो अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। इस माइक्रोस्कोप में एल्यूमिनेटर और कंडेंसर के दरमियान एक डार्क फील्ड क्रिएट की जाती है, जैसा कि तुम देख रहे हो। मजे की बात ये है, तुम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को ही डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें 4-5 फ्लेक्सिबल शीट्स लेनी है, उन्हें सर्कल में कट करना है, दरमियान वाला पार्ट परमानेंट ब्लैक मार्कर से फिल करना है, एजिस को छोड़ देना है, और फिर इन सारी शीट्स को ऊपर नीचे रख के टेप कर देना है या जोड़ देना है, और इसे कंडेंसर के नीचे लगा देना है। अब एल्यूमिनेटर में से सबसे पहले लाइट इस डार्क फील्ड की तरफ जाएगी और दरमियान वाले पार्ट में से लाइट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमने उसे ब्लैक मार्कर से भर दिया, जिसकी वजह से लाइट इस एरिया में ब्लॉक हो जाएगी और लाइट साइड वाले एजेस में से निकलेगी। मींस लाइट स्पेसिमन तक डायरेक्ट नहीं जाएगी बल्कि इनडायरेक्ट जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ आई कि तुम्हें अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो डायरेक्ट तुम तक पहुंच सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिली होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।